असम के कलगसिया चक्र अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। कार्यालय में कुछ लाट मंडल खुलेआम काम को आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि लाट मंडल काम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे ले रहा है। आरोप है कि लाट मंडल अब्दुल करीम, मनमोहन साउथ और सैदूर अली गांव के भोले भाले लोगों से जमीन का काम आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दलाल चक्र के खिलाफ विभिन्न दल संगठन कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं वीडियो जिसमें भ्रष्टाचारी किस तरह से कार्यालय में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। कलगसिया चक्राधिकार कार्यालय की ये घटना है जहां इस तरह की घटनाएं आम हो चली है। कार्यालय में कुछ लाट मंडल खुलेआम काम को आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि लाट मंडल काम को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। लाट मंडल अब्दुल करीम, मनमोहन साउथ और सैदूर अली गांव के भोले भाले लोगों से जमीन का काम आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दलाल चक्र के खिलाफ विभिन्न दल संगठनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। কলগাছিয়া ৰাজহুৱা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মণ্ডল অফিচ যেটো তাতে মণ্ডলসকলে টকাৰ লেনদেন কৰি আছে। আজি আমি ভিডিঅ' সহকাৰে আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি ডিচি মহোদয়ক আমি অৱগত কৰিলোঁ যে অতি সোনকালে এই মণ্ডলসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু কি কাৰণত এই টকাখিনি তেখেতসকলে লৈছে ইয়াৰ তদন্ত ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। আৰু আচৰিত কথা যে এজন মণ্ডল ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি সেই মণ্ডলসকলে যিধৰণৰ জীৱন যাপন কৰি আছে এজন মহাবিদ্যালয়ৰ চাকৰি কৰা ব্যক্তিসকলতকৈ তেখেতসকলে বিলাসী জীৱন যাপন কৰি আছে। দামী দামী গাড়ী, অট্টালিকা, গতিকে এই সম্পত্তিসমূহৰ ওপৰতো তদন্ত কৰিব লাগে। এই সম্পত্তিখিনি ক'ৰ পৰা আহিলে?